तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना सिखाऊंगा कि कैसे हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे और कैसे उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रोडक्ट हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो उसे कैंसिल भी कैसे कर सकते हैं। तो सारा प्रोसेस मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा कि कैसे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और कैसे कैंसिल कर सकते हैं। साथ में आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं, यानी कि जो आपका पार्सल लेकर रख के आएगा आपके घर तक, डायरेक्ट आप उसे कैश भी दे सकते हैं। साथ में ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारा पार्सल अभी कहां तक पहुंचा है और कितने दिन में पहुंचेगा। तो सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पर। आपको प्ले स्टोर से फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इसमें अकाउंट कैसे बनाते हैं मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो आप जा कर के देख सकते हैं। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहां से आप कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, छांट सकते हैं। आपको जो पसंद आए यहाँ पर आप उसे बाय कर सकते हैं। तो यहाँ आपको सर्च का ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ पर आपको जो भी प्रोडक्ट खरीदना है तो आप यहाँ सर्च करके उसे यहाँ से आप पसंद कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो मैं उसका नाम यहाँ पर सर्च करूँगा। जैसे मुझे ट्राईपोड खरीदना है तो मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ। तो ट्राईपोड मैंने यहाँ पर लिखा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ट्राईपोड आ चुके हैं, अलग अलग रेट के, अलग अलग बजट के। तो आप इन्हें बजट के हिसाब से खरीद सकते हैं। जैसे मैं इस पर ख़रीदना चाहता हूं इसे, तो इस पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि कब डिलीवर हो जाएगा और ये कितने रुपए का है, डिलीवरी फ़ीस कितनी लगेगी। और अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है अभी ख़रीदें, है ना। तो अभी ख़रीदें पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको प्लस का ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि एक साथ आप दो तीन चार प्रोडक्ट भी साथ में मंगवाना चाहते हैं तो प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ और भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं ना। नहीं खरीदना चाहते तो स्किप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर पता बदलें या नाम दर्ज करें का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर क्लिक करके यहाँ से आप अपना पता, एड्रेस फुल यहाँ पर आप भर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से पहले से ही अपना एड्रेस फिल कर दिया है। तो यहाँ आप अपना एड्रेस, पूरा एड्रेस डाल सकते हैं जहाँ आप प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है जारी रखे का, तो जारी रखे पर क्लिक करेंगे। तो जारी रखे पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, इस तरह का। यहाँ पर आपको पैसे पेमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप फोन पे कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, है ना। नीचे ऑप्शन मिलता है कैश ऑन डिलीवरी। इसका मतलब होता है जब आपका प्रोडक्ट आपके घर पहुँच जाएगा तब आप उस वक्त सीधे कैश दे सकते हैं। तो चलिए मैं कैश ऑन डिलीवरी पर ऑर्डर कर देता हूं। और इसके बाद ऑप्शन मिलता है ऑर्डर दर्ज करें, तो इस पर क्लिक कर देंगे। फिर आपको यहां नीचे ऊपर तीन अंक शो हो रहे हैं, वो यहां पर दर्ज करेंगे 6363, ये यहां पर सर्च करेंगे। इसके बाद ऑर्डर की पुष्टि करें वाला ऑप्शन मिलता है, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ऑर्डर सक्सेसफुल हो रहा है। थोड़ा वेट कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर दिया गया, हमारा ऑर्डर सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। इसके बाद होम पेज पर आएंगे तो आपको यहाँ पर थ्री लाइन दिख रही हैं। थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे
इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलता है माय ऑर्डर्स का, तो माय ऑर्डर पर जाएंगे तो आपने जो भी ऑर्डर किया होगा वो सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पर शो होंगे। यहीं से आप इन्हें कैंसिल भी कर सकते हैं और यहीं से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा डिलीवर कहाँ तक पहुँचा, पैक हो गया और कहाँ तक पहुँचा। तो ये सारी जानकारियाँ आपको यहाँ मिल जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं ऑर्डर दिया गया, फिर पैक हो गया, भेज दिया गया, विवरण, ये सारी जानकारी, ये ग्रीन स्क्रीन, ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर जहाँ शो होगा वहाँ तक आपका प्रोडक्ट पहुँच गया है। अगर आप इसे कैंसिल करना चाहते हैं तो नीचे एक ऑप्शन मिलता है रद्द करें का, तो रद्द करें पर क्लिक करेंगे। अगर आप किसी वजह से नहीं मंगवाना चाहते तो यहाँ पर आपको कोई भी एक रीज़न देना होगा, जैसे यहाँ बहुत सारे रीज़न हैं, मैंने अपना मन बदल लिया है, प्रोडक्ट की कीमत घटी है, मैंने कहीं और प्रोडक्ट खरीद लिया है, तो यहाँ कोई भी एक रीज़न दे देंगे आप, है ना, तो इस पर क्लिक करेंगे और अनुरोध सबमिट कर देंगे, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए कैंसिल करने की पुष्टि की गई। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, साथ में बहुत सारे ऑफर भी चलते रहते हैं, तो बहुत ही फ़ायदा है ऑनलाइन शॉपिंग करने में। तो इस तरीके से ऑर्डर कैंसिल आप कर सकते हैं। आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।